हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में अपने यहाँ पर बात करेंगे जो ईसीएस टी10 क्रोटिया का आज के दिन का पहला मैच होगा, जो खेला जाएगा सर ओलिवर स्प्लिट वर्सेस लजू बिलजाना के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये जो वीडियो है ना ये आपको लास्ट तक वॉच करना है। और ये जो मुकाबला है ना भाई, टॉस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, तो आफ्टर टॉस आपका टेलीग्राम चैनल पे होना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के दो तरीके हैं, एक तो देखो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बात करें मुकाबले की तो मैच जो है स्टार्ट होगा दोपहर में 1 बजे। मैच खेला जाएगा सर ओलिवर यहाँ पर इन दोनों टीमों के बीच में। सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है, 70 से 100 स्कोर बनता है। 24 मुकाबले हो चुके हैं, 14 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 7 मैच चेज हुए हैं और 3 मैच नो रिजल्ट रहे हैं। मतलब बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को अब तक थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पर रहा है। अब देखो पहले बात करेंगे सर ओलिवर स्प्लिट की टीम की। लास्ट के 6 में से 3 मैच भले ही जीती हो इनकी टीम, लेकिन बहुत गंदी खेली है इनकी टीम पूरे टूर्नामेंट में। ओपन करेंगे कृष्णा अधिकारी और सैम हॉकटन। कृष्णा अधिकारी की बात करूँ तो 1 47 0 18 नॉट आउट, 8 3, सिर्फ एक बड़ी पारी है, उसके अलावा कुछ खास इसने किया नहीं है। सैम हॉकटन की बात करूँ, लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी क्योंकि बारिश आ गई थी, इस वजह से 2 या 3 ओवर ही इनकी टीम डाल पाई थी। अदरवाइज ये बंदा आपको हर मैच में 2 ओवर प्लस ओपनिंग दे रहा है। लास्ट के 6 मैच में आप देखो पूरे यहाँ पर 10 ओवर डाले हैं, जिसमें इसके नाम 6 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 36 11 34 13 0 हैं। अनुपम सिंह है, ये भी आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों चीज़ें देगा। लास्ट के 6 मैच में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 11 ओवर डाल के 2 विकेट है, बल्ले से 22 46 की पारी है। सिमरनजीत सिंह 2 मैच खेला है, 2 ओवर डाल के विकेट लेस है, बल्ले से 11 और 0 है, ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। कार्तिक गुप्ता है, लास्ट के 6 मैच में 8 ओवर डाल के 2 विकेट है, बल्ले से 21 नो डाउट है। अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना तो आप कार्तिक गुप्ता को ट्राई कर सकते हो। राजा फैजान है, इसके नाम लास्ट के 6 मैच में अगर आप देखोगे 7 ओवर डाल के 3 विकेट है, अच्छा बॉलर है ये, जानी मन कुछ खास है नहीं। इवान स्प्लिसवेक भी आप देख लो कुछ खास किया नहीं है। फ्रेंड जेंड्रिक देखो हर मैच में बॉलिंग नहीं करवाता, लास्ट के 6 मैच में सिर्फ 4 ओवर डाल के 1 विकेट है, स्मॉल लीग का प्लेयर नहीं है। रामकृष्णा अलवा नो बैटिंग रहा है। अतिकुर रहमान मेरे हिसाब से अगर खेलेगा तो बॉलिंग करवाएगा, लास्ट के 6 मैच में 9 ओवर डाल के 4 विकेट है। अभी के लिए मैं इनकी टीम की तरफ से पिक करके चल रहा हूँ, सैम हॉकटन, अनुपम सिंह, राजा फैजान और नीचे से यहाँ पर अतिकुर रहमान। लेकिन अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो आप कार्तिक गुप्ता को भी टीम में रख सकते हो। बाकी बेंच पर जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे अनुपम सिंह, के गुप्ता, डेथ में आएंगे एस सिंह, आर फैजान, ए सिंह। सामने जो टीम है लजू बलजाना की टीम, कल 2 मुकाबले खेली, पहला जीती दूसरा हारी, अच्छी टीम है इनकी। ओपन करेंगे रमनजोत सिंह और उनके साथ में आएंगे यहाँ से सुधाकर कोपुल्लो, यहाँ पर ओपन करेंगे। रमनजोत सिंह पहले में 1 दूसरे में 14 हैं, 16 T10 में 180 रन, 16 का एवरेज है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है इनको T10 का और काफ़ी अच्छा है, प्लेयर हैं भी, साथ के साथ आपको विकेट कीपिंग के भी पॉइंट देगा। सुधाकर कोपुल्लो की बात करूँ तो ये बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी दे रहा है। पहले मैच में 16 रन 0 विकेट है, दूसरे में 0 0 विकेट है, 2 ओवर डाल के डोमेस्टिक T20 2023 के अंदर 10 मैच में 71 10 विकेट है। मतलब बॉलिंग ज़्यादा अच्छी करवा के आ रहा है ये डोमेस्टिक T20 में। इजाज़ अली कैप्टनसी का अच्छा चॉइस है, 6 रन 1 विकेट, दूसरे में 23 रन 0 विकेट है, आप रिकॉर्ड देख सकते हो, 22 T10 में 403 नौ विकेट है और अभी जो डोमेस्टिक T20 खेल के आ रहा है 11 मैच में 160 18 विकेट है। तरुण शर्मा पहले में 22 दूसरे में 14 है, दोनों मैचों में अच्छी बैटिंग की है। नंबर 5 पर वकर खान आ रहे हैं जो कि कुछ खास किया नहीं है, 4 और 1 हैं। भागवत संधु पहला मैच खेले नहीं, दूसरे में 1 है, 5 T10 में 69 रन है, लेकिन बैटिंग कर रहे हैं नंबर 6 पर। यहाँ से आएंगे थुंडुरू ओमर ओमकारनाथ, जिनके नाम पहले मैच में विकेट ले, दूसरे में 13 रन 0 विकेट है, T10 के अंदर 6 मैच में 3 विकेट है, 10 ओवर डाल के। मिर्वेश सिनवारी पहले में विकेट ले, दूसरे में 1 विकेट है, 11 T10 में 9 विकेट है, 2 ओवर अपने ज़रूर डालेगा। अयाज कुरैशी 2 मैच में 1 ही ओवर डाला है, कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं, 9 T10 में 2 विकेट है। फिर आएंगे यहाँ से हसन अहमद, लास्ट मैच में खेले थे, बैटिंग बॉलिंग नहीं मिली और T10 में आप देखो 11 मैच में 16 रन, मात्र 1 ओवर डाला है, डोमेस्टिक T20 में भी 4 मैच में 16, 3 विकेट है। ओम राज इनके सबसे मेन बॉलर, पहला मैच खेले नहीं, दूसरे में 1 विकेट है, 17 T10 में 18 विकेट है और 2023 में 6 मैच में 8 विकेट है।
तो अभी के लिए देखो मैं यहाँ से पिक करूँगा रमनजोत सिंह, सुधाकर कोपुल्लू, इजाज अली, तरुण शर्मा, नीचे से यहाँ पर थुंड्रू ओमार ओमकार नाथ, मिर्वेश सिनवारी और नीचे से यहाँ पर ओमराज। बाकी बेंच में जो भी इनके प्लेयर्स हैं इनमें से कोई भी खेले उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे एम सिरवारी, इजाज अली, एस कोपुल्लू, डेथ में आएंगे ए कुरैशी, आई अली, ओमराज। एनालिसिस वाला जो पार्ट इस मैच का हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। अभी यहाँ पर मैं चलते हैं डेमो टीम की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखो डेमो टीम मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ना आपका टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि टॉस के ऊपर मैच बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हो, वीडियो के टाइटल में जाना, मोर पर क्लिक करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों जगह से जाकर आप इजीली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अभी देख लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम। डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से रखा हुआ है सैम हॉकटन, यहाँ से रमनजोत सिंह, बैटिंग सेक्शन से आर फैजान, तरुण शर्मा, एस कोपोल्लू, ऑलराउंडर सेक्शन से इजाज अली, अनुपम सिंह, बॉलिंग सेक्शन से ओमराज, मिर्वेश शिनवारी, अतिकुर रहमान और टी ओमकार नाथ को मैंने यहाँ पर पिक किया हुआ है। कैप्टन मेरे यहाँ पर इजाज अली, वाइस कैप्टन अनुपम सिंह है। आप चाहो तो ऐसे सैम हॉकटन को अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो सीवीसी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम यही है। फाइनल टीम और फाइनल अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ दिया हुआ है। धन्यवाद।